हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बढ़े रही है। आज मैं बात करूंगा कि कॉपीराइट किस प्रकार से आता है यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मैंने पहला नियम बताया कि कम्युनिटी गाइडलाइन क्या है यूट्यूब पर, यानी कि हमको यहाँ पर दो नियमों की खासकर ध्यान रखनी जरूरी है, जैसे कि कम्युनिटी गाइडलाइन प्लस कॉपीराइट। और जैसे मैंने कॉपीराइट का वीडियो अभी बनाऊंगा, मतलब अभी मैं आपको कॉपीराइट के बारे में सब कुछ बताऊंगा, प्लस कम्युनिटी गाइडलाइन का जो वीडियो आपने नहीं देखा है किस प्रकार से उससे बचा जाए, प्लस उनसे कैसे सुरक्षित रह जाए, कैसी कैसी वीडियो आप हमको नहीं बनानी है, तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि कॉपीराइट क्या है, कॉपीराइट आता कैसे और इससे सुरक्षित किस प्रकार से रहना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है दीपक मीणा और आप देख रहे हैं साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी चैनल। कॉपीराइट कैसे आता है, कॉपीराइट है क्या, ठीक है ना। कॉपीराइट का जो मतलब है, मतलब कोई भी जो सामग्री है आप किसी की देखाघड़ी में अपलोड करते हो, जैसे यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड की, वही वीडियो आपने यूट्यूब पे छोड़ दी, कॉपीराइट है, ठीक है। अब बात एक एक स्टेप से करते हैं। जैसे कि आप ऑडियो रिकॉर्ड टीवी चल रही है, ठीक है ना, टीवी चल रही है, तो आपने मोबाइल लिया, रिकॉर्ड की वीडियो, फिर क्या की यूट्यूब पर अपलोड कर दी, ये क्या है, एक कॉपीराइट है। ध्यान रखना, ध्यान से इस वीडियो को देखना, बीच में स्किप मत करना, आपका ही लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। मैं ऑल ऑफ इंफॉर्मेशन कॉपीराइट की इस वीडियो में बता रहा हूँ। जैसे कि आपने वीडियो टीवी से मतलब कि रिकॉर्ड किया, उसके बाद आपने यूट्यूब पर अपलोड किया, एक कॉपीराइट है। कोई भी सॉन्ग मतलब कि चल रहा है और उसको रिकॉर्ड किया और आपने यूट्यूब पर छोड़ दिया, ये भी एक कॉपीराइट है। प्लस संगीत और आपने मूवी जैसे रिकॉर्ड की और यूट्यूब पे छोड़ दी, ये है कॉपीराइट के अधीन, ठीक है ना। आप ये इससे क्या होगा, कॉपीराइट आ सकता है। तो आप बस कह रहे हैं जो कि मैं बता रहा हूँ इस स्टेप का फॉलो करें, ऐसे ऐसे वीडियो आप ये ना करें, ठीक है ना। अब बात आ जाती है रचनात्मक, जैसे कि आप रचना में, जैसे कि आप लिखित कार्य मतलब कि आप क्या कर रहे हैं कि किसी का जो देखा देखे, मतलब कि आपने किसी वीडियो का जो टाइटल है क्या किया कि ऑल ऑफ कॉपी करके डाल दिया, हो सकता है कि इससे कॉपीराइट आ सकता है। उस व्यक्ति ने कोई टाइटल डाला है, उसके वीडियो के अकॉर्डिंग डाला है और आपने वही कॉपी करके वहाँ डाल दिया, कॉपीराइट आ सकता है, ठीक है ना। और जैसे कि ऑनलाइन वीडियो चल रही है, उस वीडियो को रिकॉर्ड किया, आपने यूट्यूब पर डाला, इससे भी होती है कॉपीराइट आ सकती है, ठीक है। तो आपने देखा कि इस प्रकार से कॉपीराइट आ सकता है और ये कार्य करने से कॉपीराइट आ सकता है, ठीक है। मैंने बता दिया, वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं डालनी है, पहली बात, टीवी से या फिर यूट्यूब से या अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके वीडियो नहीं डालनी है। कैसे, जैसे कि टीवी से आप रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर अपने दूसरे की वीडियो चल रही है और वही वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर अपलोड मत करो, ठीक है ना। और जैसे कि इससे क्या होगा कि कॉपीराइट आ सकता है, जैसे कि पोस्ट है, पेंटिंग पोस्ट, इससे भी आप, जैसे फ़ोटो है, फ़ोटो की बात कर लेते हैं कि कोई भी फ़ोटो आपने गूगल से डाउनलोड की, वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप क्या करते हैं कि सीधे क्या करते हैं कि अपने वीडियो में वो एडिट करते हैं, तो ऐसा भी ना करें, उनसे भी कॉपीराइट आ सकता है, ठीक है। जैसे कि गेमिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, गेमिंग है, सॉफ्टवेयर है, ये है कॉपीराइट के अधीन नहीं है, ठीक है ना। और संगीत है, ये कब नहीं है, जब दर्शक मतलब कि आप उसको देखते हो, उसको फिर सीखते हो, सीखने के बाद उसको वापस प्रदर्शन में खुद लाते हो, तब ये कॉपीराइट के अधीन नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि एक गाना है, आपने ऑल ऑफ पूरा सीखा फिर उसको गाया, तो ये कॉपीराइट नहीं है। कॉपीराइट ये है कि वो सॉन्ग ही आपने लोड किया, वापस अपलोड किया, कॉपीराइट है, ठीक है ना। जैसे कि गेमिंग है, गेमिंग कॉपीराइट के अधीन नहीं है। कैसे नहीं है, जैसे कि आप गेम सीधे सीधे सांस ओपी में और रिकॉर्ड करके अपलोड करोगे तो कॉपीराइट आ सकता है। जैसे कि आप उस गेम के बारे में ऑल ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहे हो, ऐसे खेलते हैं, इस प्रकार से करते हैं, तो कॉपीराइट के अधीन नहीं है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर,
सॉफ्टवेयर की यूजिंग के बारे में बता रहे हो, सॉफ्टवेयर ये है इस प्रकार से काम करता है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो तो ये कॉपीराइट के अधीन नहीं है यूट्यूब पर। ठीक है, अब हमने बात कर दी कि कॉपीराइट के अधीन कौन कौन सी चीज़ें नहीं है। आपने ये भी सीखा कि कॉपीराइट किससे नहीं आता है, तो जैसे कि दृश्य चीज़ है उसको देखकर सीख रहे हो उसको फिर अपलोड कर रहे हो तो कॉपीराइट नहीं है। रचनात्मक सीख जो लिखी हुई है वो कर रहे हो वापिस तो कॉपीराइट। ऑडियो है वो भी एक रिकॉर्ड करके डाल रहे हो, कॉपीराइट है। ठीक है ना, तो जैसे कि कॉपीराइट ने आपने बहुत कुछ सीख लिया, जैसे कि रचनात्मक कॉपीराइट के अधीन है। ठीक है, जैसे कि जैसा है कॉपी करके लिख देते हो नाम और शीर्षक, जैसे कि अपना नाम है यूट्यूब का नाम रखा ये कॉपीराइट के अधीन नहीं है, और शीर्षक है कॉपीराइट के अधीन नहीं है। ठीक है ना, तो आज आपने इस वीडियो में इतना तो जान लिया कि कॉपीराइट कैसे आता है, कॉपीराइट हमारे तक ना पहुंचे, हम कौन सी गलती ना करें ये आपने जाना। ठीक है ना, तो चलिए इस वीडियो में मैंने बताया कि ऑडियो रिकॉर्ड ना करें, रचनात्मक मतलब कि जो लिखा है उसको ऐसे का ऐसा कॉपी करके ना डालें, और जो दर्शक हैं यानी कि दृश्य वाली चीज़ है उसको सीख कर ही वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, इससे कॉपीराइट नहीं आएगा। ठीक है ना, तो अब जो बात आती है कि मैंने इतना कुछ बताया कि कॉपीराइट इस प्रकार से नहीं आता है। ठीक है ना, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, और हमारा कॉपीराइट क्या है, कौन भेजता है और उसका मेल कैसे दिखता है वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पर देख सकते हैं उस वीडियो के भी, और आप और भी कुछ सीख सकते हैं कॉपीराइट के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।